हेलो एवरीवन, दिस इज तान्या मलिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी टाइम। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के किंगडम प्रोटिस्टा टॉपिक की बात करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये किससे इवॉल्व हुआ है, यानी कि सबसे बड़ी बात, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब सारे ऑर्गेनिज़म्स को क्लासिफाई किया गया था 5 किंगडम में, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, इनको याद करने की ट्रिक का एक मैंने वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज़रूर देखिएगा। उसके बाद क्योंकि पहला वीडियो है किंगडम मोनेरा, तो किंगडम मोनेरा का वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी ज़रूर देखिएगा ताकि आप किंगडम प्रोटिस्टा समझ सकें। तो जैसा कि किंगडम मोनेरा में कहा गया है कि उस किंगडम मोनेरा फाइल पूरे किंगडम में सिर्फ बैक्टीरिया को लिया गया। अगली चीज़ है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा क्या होते हैं? सबसे पहली बात, किंगडम मोनेरा की तरह किंगडम प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब, यूनि मतलब सिंगल और सेलुलर मतलब सेल, यानी कि एक सेल से बने हुए होते हैं। अगली चीज़, इनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से एनिमल्स या कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हम कह सकते हैं आते हैं, तो उसमें है क्राइजोफाइट्स, डीनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोअन्स। ये 5 हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर आते हैं। सबसे बड़ी बात, किंगडम प्रोटिस्टा एक्वेटिक होता है, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा पानी में पाया जाता है। इनमें से कुछ में फ्लैजिला होता है और कुछ में सीलिया होता है। अब फ्लैजिला क्या होता है और सीलिया क्या होता है? फ्लैजिला एक स्ट्रक्चर जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म मोटाइल होता है, और सीलिया वो भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म मोटाइल होता है। पर दोनों में डिफरेंस ये है कि सीलिया पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होता है, लेकिन फ्लैजिला लॉन्ग होता है और सिंगल प्रेजेंट होता है, सिंगल और डबल, नॉट मोर देन दैट। अगली चीज़ है, ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो किंगडम प्रोटिस्टा सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, एक सेल फ्यूज से और दूसरा जाइगोट फॉर्मेशन से। एसेक्सुअली ये सेल फ्यूजन से करेंगे। फ्यूजन क्या होता है? एक सेल दो में डिवाइड हो जाना। ओके, अगली चीज़, सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? जाइगोट फॉर्मेशन, यानी कि दो गैमीट मिलके एक जाइगोट का फॉर्म करते हैं। ओके, सबसे पहली बात करेंगे क्राइजोफाइट्स की। क्राइजोफाइट्स किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर आता है। इट इंक्लूड्स डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी, दैट इज़ कॉल्ड डेस्मिड्स। क्राइजोफाइट्स में डाइएटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स भी कहते हैं। फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन, टोटली मीन्स कि ये साफ पानी में भी पाए जाते हैं और समुद्री पानी में भी पाए जाते हैं, यानी जिसमें और भी जानवर रहते हैं। ये क्राइजोफाइट्स टोटल पानी में पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे होते हैं, हम इन्हें अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, फ्लोट इन वाटर करेंट्स। वाटर करेंट्स का क्या मतलब हुआ? जो वाटर की लहर होती है, मरीन वाटर यानी समुद्र में जो लहरें होती हैं, ये उनमें भी फ्लोट करते हैं, पर आपको ये नॉर्मल आँखों से नहीं दिखेंगे। अगली चीज़, ये अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि ये अपना खाना अपने से बनाते हैं सन की लाइट की थ्रू। अगली चीज़ है, इन डाइएटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स 2 ओवर थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर इन अ सोप बॉक्स। इसका मतलब है कि जो डाइएटम्स होते हैं, इनमें जो सेल वॉल होते हैं, वो दो ओवरलैपिंग शेल्स मिलकर बनते हैं, जो कि एक सोप बॉक्स के अंदर आ सकता है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका, सिलिका नाम के केमिकल से इनके वॉल्स में सिलिका होता है। ओके, दस द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल, यानी ये टूट नहीं सकते। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स आर कॉल्ड डाइम एटमीशियस अर्थ। बींग ग्रिटी सॉयल इज यूज इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। डाइएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। बिलियंस ऑफ ईयर्स से ये एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसीलिए इसे हम डाइएटमीशियस अर्थ भी कहते हैं।
और इसकी जो सॉइल होती है जहाँ ये होते हैं उन अगर किसी सॉइल में ये प्रेजेंट होते हैं तो उससे हम कोई भी चीज़ पॉलिशिंग यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर पॉलिश, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरफ, सिरफ और ऑयल दोनों को फिल्टर करने के लिए, जैसे कि हम पानी फिल्टर करके पीते हैं फिल्टर वाटर, वैसे ही ऑयल और सिरफ को फिल्टर करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, यानी कि चीफ प्रोड्यूसर जो होते हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर होते हैं वो डाई एटम्स होते हैं। ओके अगली चीज़ है डिनोफ्लैजिलेट्स, ये मोस्टली मरीन होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि किंगडम प्रोटेस्टा टोटली वाटर के अंडर ही होता है, तो डिनोफ्लैजिलेट्स भी मरीन होते हैं यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं। ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं यानी कि अपना खाना खुद से बनाते हैं सनलाइट की मदद से। अपीयर्स येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड बिकॉज ऑफ द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। डिनोफ्लैजिलेट्स कभी कभार पीले, नीले, हरे, भूरे और लाल कलर के भी नज़र आते हैं इनमें मेन पिगमेंट्स की वजह से। ठीक है, पिगमेंट्स यानी कि उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि इंसानों के अंदर, हमारे अंदर मिलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारा कलर डार्क या लाइट होता है। इफ़ हमारे यहाँ मिलानिन पिगमेंट ज़्यादा होगा तो हम डार्क कलर के होंगे और कम होगा तो हम लाइट कलर के होंगे। वैसे ही डिनोफ्लैजिलेट्स में कुछ पिगमेंट होते हैं जिनकी वजह से वो अलग अलग कलर में अपियर होते हैं। अगली चीज़ है सेल वॉज हैज़ स्टिफ सेलुलोस प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, इनके बाहरी सतह पे, आउटर सरफेस पे स्टिफ सेलुलोस प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। ओके मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, मैंने कहा था कि फ्लैजिला अधिकतर एक या दो होंगे, तो डिनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला होते हैं, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, एक लंबे लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होता है और जो दूसरा होता है वो फरो की तरह बिटवीन वॉल प्लेट्स, अभी मैंने बताया स्टिफ सेलुलर प्लेट्स होती हैं उनके सरफेस पे, उसके बीच में प्रेजेंट होते हैं। अगली चीज़ है रेड डिनोफ्लैजिलेट्स दैट इज़ कॉल्ड गोनी ओलेक्स, ये जो गोनी ओलेक्स है ये सी को रेड दिखाता है, रेड टाइड्स आपने देखा होगा, लाल लहरें उठती हैं, ये डिनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होती हैं, ये समुद्र में होती हैं। इसके बारे में और जानने के लिए आप गूगल ज़रूर करिएगा, रेड डिनोफ्लैजिलेट्स की वजह से रेड टाइड्स होते हैं। अगली चीज़ है टॉक्सिन रिलीज सच मेंबर मे इवन किल अदर मरीन एनिमल सच एज फिशेस, यानी कि डिनोफ्लैजिलेट्स डेंजरस भी होते हैं, इनकी बॉडी से जो टॉक्सिन रिलीज होता है, जो भी इनकी बॉडी से हम कह सकते हैं एक्सक्रीटा रिलीज होता है, उसकी वजह से जो पानी में और फिशेज रह रही है उनकी भी डेथ हो जाती है समटाइम्स, कभी कभी। अगली चीज़ की बात करेंगे यूग्लेनॉइड्स, तीसरा है यूग्लेनॉइड्स, ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है जैसे कि डिनोफ्लैजिलेट्स मरीन वाटर में होता था यानी समुद्री पानी में, लेकिन यूग्लेनॉइड्स हमेशा फ्रेश वाटर में होगा, ये कभी मरीन में नहीं होगा। इंस्टीड ऑफ अ सेल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, क्योंकि सब के पास सेल वॉल होती है, यूग्लेनॉइड्स में ऐसा नहीं होता है, इनमें एक प्रोटीन रिच यानी कि प्रोटीन से भरी हुई एक लेयर प्रेजेंट होती है सेल वॉल के जगह जिसका नाम पेलिकल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूग्लेनॉइड्स में पेलिकल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से यूग्लिना की बॉडी जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। ओके वो कैसे भी मूवमेंट कर सकता है। इनमें भी दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। अगली चीज़ है फोटोसिंथेटिक, बट व्हेन सनलाइट इज़ नॉट प्रेजेंट दे बिहेव लाइक अ हेटरोट्रॉफ बाय प्रेडेटिंग स्मॉलर वंस, कह रहा है कि यूग्लेनॉइड्स ज़्यादा, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा कि किंगडम प्रोटेस्टा के अभी तक के मेंबर्स सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक थे, वो खुद खाना अपने से बना लेते थे फोटोसिंथेसिस के द्वारा, पर यूग्लेनॉइड्स में क्या है, अगर सनलाइट नहीं प्रेजेंट है, अगर सनलाइट नहीं है तो ये हेटरोट्रॉफ की तरह बिहेव करेंगे। हेटरोट्रॉफ क्या होता है, जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, यानी कि ये अपने से छोटे जानवरों को खा के, जो स्मॉलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें खा के अपने आप को, मतलब अपने आप को फीड कर लेते हैं। ठीक है, इफ़ अगर सनलाइट नहीं प्रेजेंट है, इसके एग्जांपल यूग्लिना है, यूग्लिना एक बहुत कॉमन वर्ड है जो आप सब ने सुना होगा, यूग्लिना किंगडम प्रोटेस्टा में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट थिंग इज स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड
सेप्रोफाइटिक होते हैं। अब सेप्रोफाइटिक क्या होता है? फोटोसिंथेटिक समझ लिया, हेटरोट्रॉफ समझ लिया, व्हाट इज सेप्रोफाइटिक? सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है कि ये अपना खाना किसी मरे यानी डेड डीके ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। जैसे कोई मरी फिश पड़ी हुई है तो स्लाइम मोल्ड उनसे अपना खाना ले लेते हैं, ठीक है। अगली चीज़, अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। कुछ सूटेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम नाम के एग्रीगेशन को फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। एंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट ऑन फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियर्स स्पोर्स एट देयर टिप। जब इनके लिए अच्छी कंडीशन होती है तब ये प्लाज्मोडियम बन जाते हैं, पर जब इनके लिए गलत कंडीशन यानी कि अगर इन्हें पानी की ज़रूरत है वहाँ पानी नहीं है या कोई भी ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन उनके लिए आती है तो वही प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट यानी कि अलग अलग हो के फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है और उनके ऊपर स्पोर्स लगे होते हैं ताकि ये रिप्रोड्यूस कर सकें, ताकि ये और डेवलप हो सके और रिप्रोड्यूस कर सके। स्पोर्स पॉसेस ट्रू वॉल्स, इनके जो स्पोर्स होंगे इनके जो वॉल्स होंगे वो ट्रू होंगे रियलिटी। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। ये बहुत रेजिस्टेंस होते हैं यानी कि बहुत साल तक ये जीवित रह सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में भी। अगली चीज़ है, स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करेंट्स। अब बात ये आती है कि ये स्पोर्स बढ़ते कैसे हैं, तो ये एयर करेंट्स की वजह से। यहाँ अभी आपने पढ़ा था कि वाटर करेंट्स में पाया जा रहा था एक ऑर्गेनिज्म, पर स्लाइम मोल्ड एयर से फैलता है। इफ़ मैंने अभी बताया कि अगर वहाँ पानी नहीं होगा तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करेगा फ्रूटिंग बॉडी में, उनके ऊपर स्पोर्स लगे होंगे, वो स्पोर्स के साइड में वॉल थ्रू वॉल्स होंगी और वो स्पोर्स एयर के थ्रू डिस्पर्स हो जाएंगे, ओके। अगली चीज़ है प्रोटोजोअन, द लास्ट वन। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी हम इन्हें अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ये यूनिसेलुलर होते हैं यानी सिंगल सेल के बने होते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक का क्या मतलब है? अच्छा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, इन पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगली चीज़ है, अच्छा, यूकैरियोटिक मींस होता है कि ये पूरी डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब इनमें सब कुछ प्रेजेंट होता है, डेवलप्ड कह सकते हैं हम। जबकि प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव टाइप होता है, यानी वहाँ बहुत कम सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक में कंपार्टमेंट होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता। तो इसी तरह प्रोटोजोन्स में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं विद हेटरोट्रॉफिक, यानी कि प्रोटोजोन्स कभी भी अपना खाना अपने से नहीं बनाएंगे, दे आर हेटरोट्रॉफिक यानी कि अपना खाना दूसरों से लेंगे। एंड लीव्स एज अ पैरासाइट और प्रीडेटर। प्रोटोजोन्स कभी कभी प्रीडेटर और पैरासाइट या अक्सर प्रीडेटर और पैरासाइट की तरह रहेंगे। प्रीडेटर और पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट क्या होता है ये मैंने किंगडम मोनेरा वाले वीडियो में बात की है। एंड प्रीडेटर्स मीन्स जैसे कि शिकारी, हम शिकारी कह सकते हैं, जैसे शेर अपने शिकार को ढूंढता है। शिकार इज इक्वल टू प्रे, शिकार को हम प्रे कहेंगे और शिकारी को हम प्रीडेटर्स कहेंगे। अब प्रोटोजोअन्स चार मेजर ग्रुप में डिवाइडेड हैं, एमेबॉइड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स एंड द लास्ट वन स्पोरोजोअन्स। एमेबॉइड प्रोटोजोअन्स क्या होता है? दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉयल। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये साफ पानी में भी रहते हैं, समुद्री पानी में भी रहते हैं और मॉइस्ट सॉयल यानी कि गीली मिट्टी में भी रहते हैं जिसमें ज़रा सा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसमें भी। दे यूजुअली लैक फ्लैजिला एंड हैव टेम्पररी प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ कॉल्ड सूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन। अब क्या है, इसमें कह रहा है कि फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता। अगर फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता तो ये लोकोमोशन कैसे करेंगे? तो इसके लिए इनमें एक टेम्पररी स्ट्रक्चर या आउटग्रोथ कह सकते हैं प्रेजेंट होता है जिसका नाम सूडोपोडिया होता है। अब सूडोपोडिया का क्या मतलब है? सूडो मीन्स फॉल्स, सूडो हमेशा वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे फॉल्स होगा, एंड पोडिया मीन्स फीट, यानी इनमें फॉल्स फीट प्रेजेंट होती है लोकोमोशन के लिए। फॉल्स फीट का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिससे ये लोकोमोशन तो करते हैं पर ये रियलिटी में फूट नहीं होते, इनके पैर नहीं होते। दिस सूडोपोडिया और फॉल्स फीट हेल्प इन मूवमेंट एंड कैप्चरिंग प्रे। ये जो सूडोपोडिया होता है
ये इनको मूवमेंट में मदद करता है और अपने शिकार को पकड़ने के लिए मदद करता है, ठीक है। दे इंक्लूड फ्री लिविंग फॉर्म सच एज अमीबा और पैरासिटिक फॉर्म सच एज एंटमीबा। इनके एग्जाम्पल में हम अमीबा और एंटमीबा ले सकते हैं। सेकेंड थिंग इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, दे आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स होते हैं, अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स का टोटल मीन्स यही हुआ कि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तो ये जो होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं, यानी कहीं भी रह सकते हैं। और पैरासिटिक होते हैं, यानी कि ये किसी होस्ट पे रहते हैं, हाँ, ये मतलब अकेले नहीं होते हैं। दे पॉजिज फ्लैजिला, ये तो पता ही है कि ये, क्योंकि ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स हैं तो इनमें फ्लैजिला तो प्रेजेंट होगा ही। दे इंक्लूड पैरासिटिक फॉर्म सच एज ट्रिपैनोजोमा विच कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमन बींग्स। इनमें कुछ फॉर्म पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं, यानी कि जो डिजीज़ कॉज करते हैं, बीमारी फैलाते हैं, जिनमें से एक है ट्रिपैनोजोमा। ये एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का नाम है जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस होता है हम ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। थर्ड थिंग इज सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस सीलिया ऑन द एंटायर बॉडी सरफेस एंड द प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। ये एक्वेटिक होते हैं, सारे के सारे पानी में ही रहते हैं, तो सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स भी एक्वेटिक ही होंगे। अब इसमें बोल रहा है सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, इसका मतलब ही है कि इसमें सीलिया ज़रूर प्रेजेंट होगा। हाँ, एक्टिवली मूविंग होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चलने, मतलब कि इनमें लेजीनेस नहीं होती है। क्यों होती है, क्यों ये इतनी एक्टिवली चलते हैं? एक फ्लैजिला से ये इतनी जल्दी तो नहीं चल सकते, क्योंकि सीलिया इनके एंटायर बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। पूरी बॉडी पे अगर किसी की सीलिया है, अगर इमेजिन करिए कोई काम, अगर एक घर बनाना है उस पर एक ही मजदूर लगेगा तो कितने टाइम पे बनाएगा? बहुत समय लग जाएगा, जैसे कि फ्लैजिला करता है। पर अगर वही सेम घर बहुत सारे मजदूर मिलके बनाएंगे तो कितनी जल्दी बन जाएगा? दैट्स वॉट हेयर हैपनिंग, कि यहाँ पे बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट हैं, इसलिए इन्हें ये एक्टिवली मूविंग है, जल्दी जल्दी चल सकते हैं क्योंकि इनकी पूरी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट है। और इनमें दो तरह के न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं। ऑल द सीलिया बीट इन द सेम डायरेक्शन टू मूव द वाटर लैडन फूड इनसाइड अ कैविटी कॉल्ड गलेट, एग्जाम्पल पैरामीशियम। सीलिएटेड प्रोटोजोअन का एग्जाम्पल पैरामीशियम है। पैरामीशियम के बारे में हम सब जानते हैं, पैरामीशियम की पूरी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कह रहा है ऑल द सीलिया बीट इन सेम डायरेक्शन, सारे के सारे सीलिया सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ताकि पानी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तभी तो ये आगे बढ़ेंगे। और इनके अंदर एक कैविटी होती है गलेट नाम की, जिससे ये लोग फूड इनटेक करते हैं। फोर्थ वन स्पोरोजोअन्स, इट इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। द मोस्ट नोटेरियस इज प्लाज्मोडियम, यानी मलेरियल पैरासाइट विच कॉजेज मलेरिया। स्पोरोजोन्स टोटली, हाँ, तो स्पोरोजोन्स में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आती है। इनकी सबकी एक लाइफ साइकिल होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स की 60 ईयर्स की लाइफ साइकिल है कि हम 60 साल तक जीते हैं, और हमारे इस लाइफ साइकिल के बीच में हमारी एक एडल्ट लाइफ आती है जिसमें हम लोग यंग होते हैं, एक चाइल्डहुड लाइफ स्टाइल सॉरी आती है लाइफ जिसमें हम लोग छोटे होते हैं। वैसे ही इनमें स्पोरोस, जिन स्पोरोजोन्स में एक स्पोर लाइक स्टेज जिनमें वो स्पोर्स होते हैं, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उन वो एक स्पोर में प्रेजेंट होगा, लेकिन वो डेंजरस होगा, इन्फेक्शियस होगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, वो सारे के सारे स्पोरोजोन्स में आएंगे। बहुत कॉमन ले लें तो प्लाज्मोडियम, ये एक मलेरियल पैरासाइट है जो कि मलेरिया कॉज करता है। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला है किंगडम फंजाई। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाना पड़ेगा, ताकि 2-3 दिन बाद जब मेरा वीडियो अपलोड होगा तो आप उसे जल्द से जल्द देख सकें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।